दोस्तों पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था एक्सटर्नल पोर्टेबल हार्ड डिस्क का, उस वीडियो को बहुत लोगों ने प्यार दिखाया। उसके बाद कुछ लोगों का मुझे ऐसा मैसेज आया कि सर हमें 5,000 रुपये की कीमत के अंदर बेस्ट पोर्टेबल हार्ड डिस्क बताइए जिसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी हो, साथ ही उसका रिव्यू भी अच्छा हो जिन लोगों ने खरीदा है, और हम बड़ी आसानी से उसका अमेजोन और फ्लिपकार्ट से खरीद सकें। तो चलिए दोस्तों आज आपको ये कुछ 5 में बेस्ट पोर्टेबल हार्ड डिस्क के बारे में बताने वाला हूँ। और अगर आपको कोई ऐसा पोर्टेबल हार्ड डिस्क खरीदना है, 5,000 रुपये आपका बजट है, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना स्किप के वीडियो का आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन जायसवाल और आप देख रहे हैं आपका चैनल Tech24x7। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो नीचे देखा सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा ना भूले, ताकि हर दिन हम टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए अब जान लेते हैं कुछ ऐसे 5 बेस्ट पोर्टेबल हार्ड डिस्क के बारे में जो 5,000 की कीमत के अंदर आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। दोस्तों पहले नंबर का जो हार्ड डिस्क निकल के आता है वो है वेस्टर्न डिजिटल का ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क, जिसमें आपको अलग अलग आपको साइजेस मिल जाएंगे, यानी अलग अलग कैपेसिटी आपको मिल जाएगा। पहला दोस्तों यहाँ पर आपको 1 TB, 1.5 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB और 5 TB, ये अलग अलग कुछ आपको कैपेसिटी वाले ये हार्ड डिस्क मिल जाते हैं। तो आप देख लेंगे आपको कौन सा कैपेसिटी वाला चाहिए, उसके हिसाब से आप ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क खरीद सकते हैं। साथ ही इसमें USB 2.0 और 3.0 का आपको सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा इस आपको ये ब्लैक कलर मिलेगा और इसकी दोस्तों जो वेट है वो है 130 ग्राम। और यहाँ पर USB 2.0 और 3.0 होने का फायदा ये होता है कि जिस हार्ड डिस्क में आप देखेंगे 3.0 है, वहाँ पर आपको स्पीड काफ़ी अच्छा मिलेगा, यानी कि आपको 30 Mbps का जो आपको एटलीस्ट आपको स्पीड मिलेगा। लेकिन वहां जहां 2.0 रहता है वहां पर स्पीड आपको थोड़ा सा आपको कम देखने को आपको मिलेगा। और जहां तक कि इसके वारंटी के बारे में बात करें तो इस हार्ड डिस्क में आपको मिल जाता है 2 साल का आपको वारंटी। और इसकी जो कीमत है दोस्तों वो अलग अलग साइजेस में ये अवेलेबल है। पहला जो है 1 TB का जो कीमत है वो 3,599 रुपये, 1.5 TB है 3,799, वहीं 2 TB का है 4,999, वहीं 3 TB, 4 TB, 5 TB का जो अलग अलग प्राइजेस में अवेलेबल आप देख सकते हैं यहां पर आप स्क्रीन में अवेलेबल है। तो ये इसका भी मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप खरीदना है तो आप जाके अमेज़न में चेक करके खरीद भी सकते हैं। और दोस्तों जितने मैं आपको अभी हार्ड डिस्क बताने वाला सारे के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो मान लीजिए अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप बाद में जाके अमेज़न में डिटेल भी आप देख सकते हैं, साथ ही आप उसको खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर का पोर्टेबल हार्ड डिस्क जो निकल के आता है वो है तोशिबा कैनवियो बेसिक। और इस पोर्टेबल हार्ड डिस्क में दोस्तों आपको यूएसबी 3.0 का सपोर्ट मिलता है, साथ ही दोस्तों ये आपको 3 अलग-अलग आपको कैपेसिटी मिलता है। पहला है 1 TB का, दूसरा है 2 TB का, और तीसरा जो है वो है 4 TB का। साथ ही दोस्तों यहां पर मुझे ये ब्लैक कलर मिलता है, उसका जो वेट है वो है 149 ग्राम। और इसमें आपको 3 साल का आपको वारंटी मिलता है, काफी अच्छी बात है। और साथ ही दोस्तों इसका जो कीमत है 1 TB का वो है 3,399, 2 TB का है वो है 4,799, और आपको 4 TB का जो है वो 7,699। तो एवरेज जो बहुत लोगों को मैंने देखा है वो 2 TB का ज्यादा खरीदते हैं, तो आप 2 TB का खरीदते तो यहां पर प्राइस इसका 4,799 रुपए है। तो ये था दोस्तों हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर। दोस्तों तीसरे नंबर वाला पोर्टेबल हार्ड डिस्क निकल के आता है वो सीगेट एक्सपेंशन, और इसके चलिए कुछ स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। पहला इसमें आपको यूएसबी 3.0 का आपको सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही दोस्तों इसमें आपको 3 साल का डेटा रिकवरी का आपको सर्विस मिलता है। इसके अलावा यहां पर आपको 2 साल का आपको वारंटी मिलता है। इसके अलावा यहां पर आपको अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, यानी कि 1 TB, 1.5 TB से लेकर आपको 5 TB तक ये अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों यहां पर इसकी कीमत के बारे बात करें तो पहला ये 2 TB का जो कीमत है वो है करीब आपको यहां पर 5,593 रुपए, यानी कि विदाउट GST, और विद GST जो है आपको ये 6,600 रुपए के प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों सीगेट का बेसिकली मैंने देखा है कि मतलब हार्ड डिस्क का तो प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है बाकी सब ब्रांड्स है। वैसे को दोस्तों यहां पर आपको एक चीज बेनिफिट सिर्फ एक चीज मिल रहा है कि यहां पर आपको 3 साल का डेटा रिकवरी सर्विस आपको यहां पर मिलता है, तो वो एक अच्छी बात है। अदरवाइज बाकी सारी चीज दोस्तों सेम है जो आपने पहले और दूसरे हार्ड डिस्क में आपने देखा। और ये था हमारे लिस्ट पे दोस्तों तीसरे नंबर पे। दोस्तों चौथे नंबर का जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क निकल के आता है वो है तोशिबा कैनवियो एडवांस। और ये दोस्तों जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क है वो आपको थोड़ा सा सिमिलर आपको देखने को मिलेगा तोशिबा कैनवियो जो आपने बेसिक देखा दूसरे नंबर पे। और इसमें दोस्तों डिफरेंस आपको मिलेगा ये कि इसके वो जो बॉडी आपको दोस्तों अलग अलग आपको वेरिएंट में आपको मिल जाता है, यानी अलग अलग कलर और अलग अलग पैटर्न में आपको मिल जाता है, तो आपके पास बहुत सारा चॉइस आपको हो जाता है। साथ ही इसमें आपको यूएसबी 3.0 का आपको सपोर्ट मिल जाता है, 3 साल की वारंटी है। और साथ ही जहां तक इसकी कीमत के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका कीमत अगर 2 TB का मैं ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क खरीदूंगा वो है 4,800
₹799 और ये आपको 1TB, 2TB और 4TB के मतलब साइजेस में ये अवेलेबल, मतलब कैपेसिटी में अवेलेबल है। तो आप देख लीजिए कौन से कैपेसिटी वाला आपको चाहिए। और ये था दोस्तों हमारे लिस्ट पे चौथे नंबर पे। तो दोस्तों पांचवें नंबर का जो एक्सटर्नल ड्राइव है वो है सैमसंग ब्रांड की तरफ से, जिसमें आपको SSD नहीं मिलेगा, ये आपको SSD मिलता है, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। और दोस्तों सॉलिड स्टेट ड्राइव काफी कंपैक्ट होता है एज कंपेयर टू SSD ड्राइव जो भी आपने अभी तक देखा। और क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको जो आपको ड्राइव जो मिलता है दोस्तों उसके अंदर आपको किसी तरह का CD नहीं होता है, अंदर कोई जैसे मैकेनिकल फंक्शन नहीं होती है, इनसाइड सिर्फ आपको दोस्तों चिप मिलता है। और उस कारण से ये जो है काफी लाइट वेट दोस्तों सॉलिड स्टेट ड्राइव माना गया है। और अगर आपको थोड़ा सा पता होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव में, तो आपको खुद ही पता होगा कि सॉलिड स्टेट ड्राइव में सिर्फ एक चिप रहता है, उसमें ज्यादा कुछ एक्सटर्नल कुछ ऐसा मान लीजिए कोई CD और किस इस तरह कोई मूवमेंट नहीं होता है। इस कारण से ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव का। लेकिन इसकी दोस्तों कीमत थोड़ी सी महंगी होती है काफी एज कंपेयर टू SSD, लेकिन लॉन्ग रन में दोस्तों सॉलिड स्टेट ड्राइव बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। और चलिए इसकी कुछ बात कर लेते हैं। ये सैमसंग का दोस्तों T5 मॉडल नंबर है इसका, इस सॉलिड स्टेट ड्राइव का, और ये 500GB में आपको अवेलेबल मिलेगा। और साथ ही दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है USB 3.1 का सपोर्ट, और इसमें स्पीड दोस्तों काफी अच्छा आपको मिलेगा, यानी कि 10GBPS का आपको स्पीड मिलेगा। आपको कहां जो आप देखेंगे कि वहां पर आपको SSD में आपको 10 MBPS या 20-30 MBPS का आपको मैक्सिमम स्पीड मिलता है, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको SSD में आपको यहां पर 10GBPS का आपको स्पीड मिल जाता है। और यहां पर आपको टाइप सी का आपको यहां पर पोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही सैमसंग के एक्सटर्नल SSD का जो वेट है वो है 50 ग्राम का, और इसमें आपको कैपेसिटी सिर्फ 500GB का ही मिलता है। तो ये थोड़ी सी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ 500GB का कैपेसिटी चाहिए और आपको कोई बहुत ही लाइट वेट चाहिए, तो आप इस एक्सटर्नल SSD को आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों ये मतलब 1TB और 2TB में अवेलेबल है, लेकिन उसकी कीमत काफ़ी महंगी हो जाएगी, यानी कि वही है, मैं अगर 1TB का मैं एक्सटर्नल SSD खरीदूं तो उसका कीमत करीब मुझे 8-9 हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा, वहीं 2TB का पे करूँ तो वो 9 से 10 हज़ार के करीब में आएगा। तो आप देख लीजिए अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप ये एक्सटर्नल SSD के तरफ आप जा सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे 5 एक्सटर्नल डिस्क जो काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन कैरी करता है। इनमें से मैं आपको एक अपना पसंद बताता हूँ, जो मैं खरीदना पसंद करूँगा वो है तोशिबा का कैनवियो बेसिक या तोशिबा का कैनवियो एडवांस, जो दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर बताया। दोस्तों इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें मुझे 3 साल का वारंटी मिल जाता है, साथ ही काफ़ी लाइट वेट और अलग अलग मल्टीपल कलर का और अलग अलग पैटर्न का भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही यहाँ 2TB का जो ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मिल जाता है मुझे 4,000-4,500 के प्राइस में मुझे ये मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है ये इस पर्टिकुलर ब्रांड और इस पर्टिकुलर मॉडल की। वैसे आपको कौन सा पसंद आया आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदते वक्त, या भी अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए कुछ अलग अलग गैजेट खरीदते वक्त, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमें दोस्तों इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता आपको पसंद आया। और इस तरीके टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ नए नए वीडियो हम हर दिन लेके आते रहते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जल्दी जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूले, ताकि हर दिन हम टेक्नोलॉजी जुड़ी जो नई नई वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो मिलता हूं दोस्तों आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो का आखिर तक बने रहने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।